चार देखिए, कह रहे अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करके कितने चार अंकीय संख्याएं बनाई सकती है यदि कोई भी अंक दोहरा, यानी कि और में से कितनी सम संख्या होंगी। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अंक 1 से 5 तक का उपयोग उपयोग द्वारा बनी चार अंकीय संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, जबकि अंक रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, यानी कि टोटल 5 है और 5 में से 4 को चुनना है। तो 5 का फैक्टोरियल और बटा में 5 - 4 का फैक्टोरियल, ना एनपीआर का फॉर्मूला होता है, 5 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। इनमें से कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम लोग बॉक्स वाले से बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है। सम संख्या होने के लिए इकाई के स्थान पर 2 या 4, इन दोनों में से कोई होगा, 2 होगा या 4 होगा, यानी यहाँ पे 2 तरीका। जब दोनों में से कोई एक रख दिए, बची हुई चारों में से कोई यहाँ रखेंगे, 4 तरीका, 3 तरीका और यहां पर आपका फाइनली 2 तरीका हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं। इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दहाई पे चेक कर लेते हैं। दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका आपका हो जाएगा 4। सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका हो जाएगा आपका 3। और हजार के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका हो जाएगा 2। इसलिए कुल अभीष्ट तरीका बराबर में हो जाएगा 2 × 4 × 3 × 2। 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 8 = 24, 24 × 48 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए,